नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ, एक नई समस्या के साथ। मैं अक्सर ऐसे रोगों पर या ऐसे विषयों पर वीडियोस बनाता हूँ जिनसे व्यक्ति बहुत प्रभावित होते हैं। उसी में से एक वीडियो मेरा था कि जिन व्यक्तियों को लगातार लड़कियां हो रही हैं, लड़कियां पैदा हो रही हैं, जिन स्त्रियों को या संतान नहीं हो रही है, जिनकी लड़के की चाहत है, तो उनके लिए मैंने योग बताए थे। मैंने पहले ही यह बोला था कि इसका मेरा कोई उद्देश्य नहीं है लड़के या लड़की में असमानता प्रस्तुत करने का, परंतु चूँकि परिवार भी एक संस्था होती है और बहन भी भाई की इच्छा रखती है, भाई भी बहन की इच्छा रखता है, पिता पुत्री की इच्छा भी रखता है, पुत्र की भी इच्छा रखता है, माता भी पुत्र और पुत्री की इच्छा रखती है, तो परिवार इनसे पूर्ण हो जाता है। यदि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो जो भाई बहन हैं इन सब का संबंध जो है वो पूर्ण नहीं होता या पूरक नहीं होता, या फिर लड़के ही लड़के हो रहे हैं और लड़की नहीं हो रही है तो भी बहन का जो एक विशेष स्नेह है वो भाई को प्राप्त नहीं होता, और पिता की भी कई इच्छाएँ जो कन्या से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वह कन्यादान हो या विवाह संबंधी, वह भी पिता पूर्ण नहीं कर पाता और वह खुशी भी उसको नहीं मिलती। इसीलिए मैंने वह वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने यह परेशानियाँ अपने सामने देखी हैं जिन लोगों को लड़के नहीं होते या जिन लोगों को लड़कियाँ नहीं होती। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इसमें कि मैं कोई लैंगिक भेदभाव प्रस्तुत करूं, क्योंकि यदि आप कन्याओं के जन्म पर या उनका अनुपात कम होने पर आवाज़ उठाते हैं तो आप ये भी सोचिए कि यदि लड़के कम पैदा होंगे तो भी एक लैंगिक अनुपात बिगड़ेगा या नहीं, दोनों साम्य में रहे लड़के लड़की का अनुपात यही उचित है ना। तो कई लोग मेरे वीडियो पर, कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आए या कई लोगों को बुरा लगा होगा, या फिर कई ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं या कई आदत से मजबूर होते हैं जिन्हें दूसरों की खामियां निकालनी ही हैं। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सुनता, क्योंकि मैं हेल्थ बेनिफिट के लिए आप सभी लोगों के लिए मुफ्त वीडियो बनाता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता। मैं मुफ्त में आप लोगों को सेवा देता हूँ और मुफ्त में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि कोई ऐसा मुझे बोले या मेरे वीडियोस पर कोई बोले कि आप लैंगिक असमानता को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और इस जो मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मेरा उद्देश्य था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिन लोगों को लड़की की चाहत है कि उनके घर पुत्री जन्म ले, उनके घर लड़के जन्म ले रहे हैं, या कई लोगों की चाहत होती कि उनके घर पुत्री जन्म ले, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था। और जो पहला वीडियो मैंने डाला उसके बाद मैं यही वीडियो आज डाल रहा हूँ, जिसका टॉपिक है कि जिन्हें लड़की की चाहत है पुत्री की चाहत है, वह क्या उपाय करें जिससे उन्हें पुत्री ही पैदा हो, ताकि परिवार में भाई बहन पिता पुत्री आदि का साम्य बना रहे। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि बिना कुछ सोचे समझे ना तो कमेंट्स करें और ना ही किसी की इच्छा या किसी के अच्छे इरादे को बुरा प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यदि आपको पुत्री की इच्छा है तो वह कैसे पैदा हो, या पुत्री की इच्छा आपकी पूर्ण कैसे हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोर पंख का चांदा उपयोग करना है, तो इस जो पुत्री की जिन्हें इच्छा हो उन्हें मोर पंख के चांदे का उपयोग नहीं करना, केवल गर्भपाल रस एक गोली सुबह एक गोली रात में खाना के आधे घंटे पूर्व दूध में आधा चम्मच शहद डालकर स्त्री को पान करना है, तथा जो छोटी कटेरी होती है जिसे कंटकारी कहते हैं, सोलेनम सोराटेंस बोलते हैं, छोटी कटेरी की जड़ पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी, या फिर ताजी ताजी जड़ आप ले आएँ कंटकारी जिसे बोलते हैं, तो उसको उसको थोड़ा सा घिस लें दूध में, घिस लें और उस घिसे हुए द्रव्य को, जो घिसी है आपने जड़, थोड़ी सी जड़ उसमें दूध मिला लें दो तीन ढक्कन, और
थोड़ा सा उसमें शहद मिला के उसको बिल्कुल तरल बना लें, मतलब पानी जैसे पतला बना लें, और बाई नासा में मतलब इस नाक में, बाई नाक के छेद में 4 से 5 बूंद उसको डालकर स्त्री को सुरखने के लिए कहें। यह हर हफ्ते स्त्री को करना है, हर हफ्ते मतलब 7 दिन में एक बार स्त्री को करना है, तथा गर्भपाल रस 4 महीने तक निरंतर खिलाना है, और स्त्री को 4 महीने तक निरंतर हर हफ्ते कंट जो छोटी कटोरी का घिसा हुआ द्रव्य जिसमें दूध हमने मिलाया और शहद मिलाया है उसको नाक में डालकर सुरख लेना है। स्त्री को थूकना नहीं है, 1-2 घंटे बाद भोजन कर लेना है हल्का सा। तो इतना, केवल इतना उपाय करने पर आपके घर पुत्री ही पैदा होगी, क्योंकि यह शास्त्र में वर्णित है और यह पूर्णता अनुभूत योग है, तो इसका आप उपयोग करें। तथा जिन्हें पुत्रियों की इच्छा है, जिन्हें पुत्री चाहिए, उन्हें पुत्री की खुशी अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया इसका उपयोग करें और लाभ प्राप्त करें। तथा अन्य जो गंभीर रोग यदि आप उनसे पीड़ित हों, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका नाम लिखा है, तथा मेरे वीडियोस में भी उन गंभीर रोगों के लिए योग का वर्णन किया गया है। तो जिन रोगों का नाम लिखा हुआ है, गंभीर रोगों का, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप मुझसे भी दवा बुलवा सकते हैं, या फिर आप मेरे क्लिनिक भी आके मिल सकते हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे यदि कॉल करें तो शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही करें, बाद में ना करें, क्योंकि पेशेंट्स रहते हैं, उन्हें असुविधा रहती है और मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। और जब आप पूर्णता निश्चित कर लें कि आपको दवा बुलवानी है या कोई उपाय आपको पूछना है, तभी कॉल करें। बिना किसी इच्छा के कॉल मत करें, यानी कि मतलब कई लोग, कई कॉल्स ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई उपाय नहीं पूछना है, जबरन इस डॉक्टर ने ऐसा किया था, उस डॉक्टर ने ऐसा किया था, ये फालतू की बातें वो करते हैं, और उन्हें कोई भी उपाय नहीं करना, ना तो दवाइयाँ बुलवानी हैं। तो कृपया मेरा समय बर्बाद ना करें। यदि आपको हेल्थ संबंधी कोई सुझाव लेने हैं, तभी मुझे कॉल करें, और सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे चर्चा करें, उसके बाद ही मुझे कॉल करें। इस उपाय का उपयोग करें और अपने घर में पुत्री जन्म का सुख पाएं। पुत्री अवश्य आपके घर पैदा होगी। थैंक यू सो मच।